लगातार हो रही बारिश और नेपाल द्वारा पानी छोड़े जाने के बाद जनपद की नदियों के जल स्तर में बढ़ोतरी देखी गई थी और कुछ क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न हो गई थी, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह सामान्य है। जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि 17 से 19 अक्टूबर तक हुई बारिश और नेपाल द्वारा पानी छोड़ने की वजह से सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा है। रविवार को सरयू नदी 57 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर थी, लेकिन सोमवार को 23 सेंटीमीटर जलस्तर में कमी हुई। उन्होंने बताया कि बुधवार तक नदियों का जलस्तर कम होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि केवल नदियों का पानी बढ़ा है, इससे कहीं पर भी जनहानि की क्षति नहीं हुई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, जनपद में क्या पूरे प्रदेश में पिछले 17 तारीख से लेकर 19 तारीख के बीच जो वर्षा हुई थी, उसकी वजह से सरयू के ऊपर की तरफ वर्षा जो हुई नेपाल में और अन्य जनपदों में, वो पानी धीरे धीरे आगे बढ़ा और सरयू अभी कल तक तो 57 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर थी, लेकिन आज वो अभी की सूचना यह है कि 23 सेंटीमीटर ऊंची है, खतरे के निशान से ऊपर है। और मेरा अनुमान है कि कल या परसों तक ये सामान्य स्तर पर आ जाएगी और धीरे धीरे पानी नीचे हो जाएगा। केवल नदियों का पानी बढ़ा है, कहीं बाहर पानी नहीं रहा है, इसलिए कहीं पर जानमाल की कोई क्षति नहीं है, ना ही कोई इस वजह से किसी प्रकार की कोई क्षति रिपोर्टेड नहीं है अभी तक।